इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के एक और अहम पड़ाव को पार कर लिया है। चंद्रयान 3 के लैंडर का दूसरा और अंतिम डीबूस्टिंग ऑपरेशन सफल हो गया है। चंद्रयान से अलग होकर लैंडर विक्रम अब अकेले ही चांद की ओर आगे बढ़ चला है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, एक और अहम पड़ाव पार हो चुका है। चंद्रयान 3 अब चांद की सतह के और करीब पहुंच गया है। लैंडर विक्रम के दूसरे डी ऑर्बिटिंग की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। चंद्रयान 3 तय रफ्तार से लगातार आगे बढ़ रहा है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के लैंडर का दूसरा डी बूस्टिंग ऑपरेशन सफल रहा और लैंडर अपनी रफ्तार और धीमी करते हुए चांद के सबसे करीबी ऑर्बिट में दाखिल हो गया। दूसरे और अंतिम डी बूस्टिंग ऑपरेशन ने चांद की दूरी 25 किलोमीटर इंटू 134 किलोमीटर तक कम कर दी है। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। लैंडर विक्रम सेंसर्स की मदद से लैंडिंग की मुफीद जगह तलाशेगा, फिर अपनी स्पीड को लगभग शून्य कर लेगा और धीरे धीरे चांद की सतह पर कदम टिकाएगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में दाखिल हो चुका है, बस अब इंतजार है चंद्रमा पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग का। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग की तारीख चंद्रमा पर रोशनी के हिसाब से तय की है। दरअसल 23 अगस्त वो तारीख है जिस दिन चंद्रमा पर दिन की शुरुआत होती है। एक चंद्र दिवस पृथ्वी पर लगभग 14 दिनों के बराबर होता है, जब सूर्य का प्रकाश लगातार उपलब्ध रहता है। चंद्रयान 3 के उपकरणों का जीवन केवल एक चंद्र दिवस का ही होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण होते हैं और उन्हें चालू रहने के लिए सूर्य की रोशनी की जरूरत होती है। रात में चंद्रमा का तापमान 0 से -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उपकरण खराब होने का खतरा रहता है। चंद्रयान 3 चांद पर 14 दिन यानी एक चंद्र दिवस तक रहेगा। इस दौरान वह चंद्रमा के बारे में तमाम जानकारी धरती पर भेजेगा। लेकिन वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर ठहरने की अवधि 28 दिन भी हो सकती है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चार्ज करने की उच्च तकनीक से लैस है। चांद पर -180 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडक होती है। ऐसे में मशीन को गर्म करना जरूरी है, जिसे देखते हुए बैटरी चार्ज करने की व्यवस्था लैंडर और रोवर दोनों में की गई है। अगर ऐसा हो जाता है तो चंद्रयान 3 का जो मिशन 14 दिन का है, उसे बढ़ाकर 28 दिन या उससे आगे किया जा सकता है। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के कैमरे से ली गई तस्वीरों को इसरो ने जारी किया। इन तस्वीरों पर चंद्रमा की सतह पर क्रेटर यानी गड्ढे नजर आए। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर गड्ढे उल्का पिंडों के गिरने से बनते हैं और ऐसे लाखों गड्ढे यानी इंपैक्ट क्रेटर चंद्रमा पर हैं, जिनका नामकरण जाने माने वैज्ञानिकों के नाम पर रखा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक चंद्रमा पर 10 लाख से ज्यादा इंपैक्ट क्रेटर हैं, जिनमें से 9000 से ज्यादा क्रेटर की पहचान की जा चुकी है। क्रेटर 10 लाख से ज्यादा हैं और लेकिन जो कैलकुलेट किए गए हैं या रिकॉग्नाइज किए गए हैं वो लगभग 9000 से ऊपर हैं। जिन क्रेटर की तस्वीर लैंडर विक्रम ने भेजे हैं, उनके नाम फ्रैबी, ब्रूनो और हरखेबी जे हैं, जिनका आकार 20 से लेकर 45 किलोमीटर तक का डायमीटर है। वहीं धरती पर अभी तक ऐसे 180 इंपैक्ट क्रेटर खोजे जा चुके हैं। चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में पूरा देश इस सफलता से गौरवान्वित महसूस कर रहा है। गायक अनूप जलोटा ने चंद्रयान अब चांद पे उतरेगा चंद्रयान हमारा। अनूप जलोटा ने कहा कि भारत की सफलता से पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। बहुत गौरव की बात है कि हमारा चंद्रयान अब चांद पर उतरने वाला है। चंद्रयान 3 सफलता के बेहद करीब पहुंचता जा रहा है और लोग इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कह रहे हैं। वही रूस का लूना 25 मिशन लैंडिंग से पहले ही मुश्किल में फंस गया है। रूस के मून मिशन की जांच के दौरान एक इमरजेंसी की बात सामने आ रही है। रूस की स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस ने बताया कि शनिवार को चंद्रमा पर लैंड करने से पहले लूना 25 मिशन की जांच के दौरान इमरजेंसी सिग्नल मिला। रोस्कोमोस ने बताया कि स्थानीय समय के मुताबिक लूना 25 को जब ऑर्बिट में भेजने के लिए थ्रस्ट किया गया तो इस दौरान ऑटोमेटिक स्टेशन पर इमरजेंसी हालात पैदा हुए, इस वजह से मिशन का मैन्यूवर नहीं हो पाया। रोस्कोमोस ने बताया कि लूना 25 स्पेसक्राफ्ट ने लैंडिंग के लिए ऑर्बिट में जाने से पहले असामान्य स्थिति का सामना किया। लूना 25 स्पेसक्राफ्ट सोमवार को चंद्रमा के साउथ पोल पर करने वाला है। चंद्रमा के इस हिस्से की ज्यादा जांच नहीं हुई है। दरअसल रूस लूना 25 मिशन के जरिए 47 साल बाद एक बार फिर से